संयुक्त किसान मोर्चे वालों रद्द करवाने ते एमएसपी दी गारंटी देने वाला नवा कानून बनाने लई रेलवे स्टेशन ते लाया धरना अज 331वें दिन भी पूरे जोश ते उत्साह नाल जारी रहा। उथे संयुक्त किसान मोर्चे ने मुजफ्फरनगर विखे 5 सितंबर नूं किसान महापंचायत करन दा ते 25 सितंबर नूं भारत बंद करन दा सद्दा दित्ता। अज धरने विच इन्हां दोवां वड्डे प्रोग्रामां दी तैयारी विच हुणे ही जुटे जाण दी अपील कीती गई है। उथे बुलारिआं ने कहा कि केंद्र सरकार ते किसान मंगां प्रति अड़ियल वतीरा धारण कर रख्या। उथे ही सरकार नूं बंगाल चोणां दी तरह यूपी विधानसभा चोणां च सियासी हलूणा देण लई बीजेपी नूं हराउणा जरूरी है। इसे नीति तहत 5 सितंबर नूं मुजफ्फरनगर च एक किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है। उस प्रोग्राम विच विराटता तो सरकार नूं स्पष्ट सुनेहा मिल जाएगा कि खेती कानून रद्द करन तो इलावा उस कोल होर भी कोई चारा नहीं। जिथे 25 सितंबर नूं मजदूर मुलाजम विद्यार्थी ते नौजवान जथेबंदियां ने सहयोग नाल भारत बंद किया जाएगा। बुलारा ने धरनाकारियों नूं इन्हां प्रोग्राम की सफलता लई हुणे तो ही तैयारियां विढ़नियां शुरू कर दित्तियां ने। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं तजिंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष तराई किसान संगठन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। 5 सितंबर को इस देश के अंदर इस देश के किसानों की दिशा और दशा और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के अंदर क्या दिशा होगी किसानों की और क्या दशा होगी राजनीतिक दलों की, इसका नतीजा आने वाली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की धरती से तय होगा। ये एक ऐतिहासिक रैली है। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत रुद्रपुर के मुजफ्फरनगर के मैदान में होगी और इस मैदान से तय होगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव और उत्तराखंड के 2022 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस देश का किसान जहां पंजाब और अन्य राज्यों के अंदर आंदोलन को तेज कर चुका है, उसी आंदोलन की धार अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी नजर आएगी आने वाले दिनों में। और इसी आज के अधिवेशन के अंदर जो तमाम फैसले हुए हैं उसी में 25 सितंबर को फिर एक बार हिंदुस्तान पूरी तरह से सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि भारत बंद की कॉल खाली किसानों ने ही नहीं, इस देश के मजदूरों ने, इस देश के नौजवानों ने, इस देश के व्यापारियों ने और इस देश के बेरोजगारों ने दी है कि देश का हर वर्ग आज देश की सरकार हर कुछ बेचने पर लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी रही ओलेक्स बन चुकी है। देश दुनिया दी हर खबर ते नजर रखन दे लई हुन साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।